बरखा तुम ही से चलता है मेरी जिंदगी का चरखा। कसम से आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं। मेरी 25 साल जिंदगी में तुम पहली लड़की हो। 25 साल? हाँ उम्र तो मेरी 25 साल है मगर मोहब्बत की धूप में जलकर थोड़ा ज्यादा देखता हूँ। पाव तोला ज्यादा। ये दुनिया का पहला आदमी है जो दिन भर लड़कियों के पीछे भागता है और रात को उन्हीं के सपने देखता है। ओ महाराज अगर नींद में सपने देखना बंद कर दिया हो तो उठेंगे आप। चलो उठो। सुबह हो गई। अरे दुनिया के लिए दोपहर और आपकी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हमारी गोलियां तैयार हैं? जी। तो लाओ चेहरा चमकाने की गोली लाओ। ये लो। आंखों में रोशनी लाने की गोली लाओ। ये भी लो। जवानी को बरकरार रखने की गोली लाओ। वाह। ये लो। और बुढ़ापे को दूर भगाने की गोली लाओ। ये भी लो। और चौथी गोली दिखाऊं क्या? ये देखो ना। छी सुबह सुबह इस मनुष्य की तस्वीर कहां दिखा रहा है? ये मनुष्य नहीं है, तुम्हारी 30 साल से मंगेतर है। और मुझे रोज फोन करती है कि बुड्ढा घर पे है। अरे बुड्ढा होगा इसका बाप। वो तो कहती है। हट। सुन मत दिखा इस मनुष्य की तस्वीर। ये बता मेरी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आया था? वो तो ऐसा है ना कि दिन में 100 लड़कियों के फोन आते। तबीयत खुश कर दी तूने। अरे शर्म करो शर्म, 55 के हो गए हो, छोड़ दो ये सबको कर्म। क्यों छोड़ दूं? 55 में और बचपन में फर्क क्या है? प लगाओ तो 55 होता है, ब लगाओ तो बचपन होता है। मेरा तो बचपन चल रहा है, जवानी तो आई नहीं अभी तक। नहीं आई ना? तो चलो तैयार कर दूं क्योंकि तुम्हारी वो आने वाली है ना। ले चलो मुझे फूल की तरह। चलो फूल बानो। हट। कैसा दिख रहा हूँ? एकदम सड़ियल दिख रहे हो। मैं सड़ियल दिख रहा हूँ? जी। जाके नहा लो। नहा लो? ये विग लगाने के बाद, नकली भौंया मूछें लगाने के बाद मैं नहाने जाऊँ? अरे जिस्म के बालों को हर रोज धोना चाहिए, असली हो या नकली। हा? जाओ जाके नहाओ। अच्छा वही आदमी मेरा ससुर नहीं हुआ? दरअसल ये लोग मेरी जवानी से जलते हैं। अरे आते हैं आते हैं आते हैं। धनीराम जी है? आप ही का इंतजार कर रहे हैं। रीटा डार्लिंग, माय लव, माय डार्लिंग, आई वाज मिसिंग यू। छूटा फॉर सो मेनी डे। अरे ओ बुड्ढे, आई बीन मिसिंग यू। मोहब्बत का पोस्टर निकल गया था, उसको चिपका रहा था। तुम बहुत बेवफा हो। क्यों? तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। क्या बात करती हो, 50 मरतबा कोशिश की मगर ये फोन बेवफा खराब हो गया था। जब लगाता था पागल खाने में लग जाता था, बस तुम्हारी तस्वीर देख लिया करता था। तू मुझसे बातें करती थी, मैं तुमसे बातें करता था। Oh, really? I swear. फोन बजा, मैं उठाऊं? उठाइए। I'll go pick up the phone. अभी तो मैं जवान हूँ। हेलो। हेलो, क्यों रे बुढ़ो? क्या हाल है? Idiot. क्या हुआ? मैं नहीं, वो मैं रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, किसका फोन था? मैं रीटा डार्लिंग, आज है ना हम लोग एक फैसला कर ही डालते हैं, हम लोग है ना। हेलो, बुड्ढा घर पे है क्या? पागल हो गई हो? कोई औरत है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ और फोन उठाती हूँ यही पूछती है बुड्ढा घर पे है। इससे बात नहीं करना कभी, कभी कभी बात नहीं करना इससे। ये है ना दरअसल एक पागल बुड्ढी है। पागल बुड्ढी? हाँ। लेकिन ये तो किसी बुड्ढे के बारे में पूछती है। वो मेरे बाप के बारे में पूछ रही होगी। बाप के बारे में? हाँ, ये जवानी से है ना उस पे आशिक थी। क्या बात करते हो? कसम से बस, अब उसे शादी करना चाहती है। किस उम्र में? हाँ, बताओ।
तो तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तो बाप बेटे की पोल खुल जाएगी ना। क्या? नहीं मतलब, मेरा मतलब दुनिया को पता चलेगा तो मेरी बाप की इज्जत चली जाएगी, मेरे बाप की इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी, मतलब अपने प्यार की इज्जत चली जाएगी। समझ गई ना? मगर इस बुड्ढी से जान छुड़ाने का एक तरीका है कि हम लोग शादी कर लें। शादी? हाँ, मेरे 55 साल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। 55 साल? तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। फिर तुमने 55 साल कैसे कहा? नहीं असल में क्या है, 25 साल पहले मैं पैदा हुआ था और उसे 30 साल पहले मेरी तमन्ना पैदा हुई थी, तो मिला के 55 साल हुए कि नहीं? फंस गया था। अपन शादी कर ले। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी। बात मत करो, उनको लेकर आओ, मैं उनसे शादी कर लूंगा। क्या मम्मी? नहीं नहीं, मैं मतलब उनको लेकर आओ, मैं बात कर लूंगा, फिर हम कल के कल शादी कर लेंगे, है ना? कितनी गड़बड़ हो रही है। अरे भाई कमाल है, दुल्हन तैयार होकर आ गई, दूल्हे का पता नहीं। आप जरा जल्दी दूल्हे को लेकर आइए। जी मैं अभी देखता हूँ। अरे पगड़ी बांधना यार, क्या कर रहा है तू? अरे कमाल हो गया, दुल्हन मंडप में तैयार बैठी है, दूल्हे का कुछ पता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, 1.5 घंटे से मेरे सर पर पगड़ी नहीं बांध पा रहा है। अरे सर, लेकिन आपके सर पे पगड़ी अटकती नहीं तो मैं क्या करूँ? एक चक्कर घुमाकर कसने की कोशिश करो तो स्टीयरिंग ट्रैक घूमकर निकल जाती है। तो एक काम कर, मेरे सर पे कीला ठोक दे, उस पर पगड़ी बांध देना उल्लू का पट्टा। अरे तूने क्या बोला था पिछले महीने? मैं आपको ऐसा तेल लाके दूंगा, आप लगाएंगे तो सर पे इतने बड़े बड़े बाल हो जाएंगे। 50,000 रुपया लिया तूने मेरे से, किधर होते? चलिए बने राम जी, देर हो रही है। अबे तो मैं क्या करूँ, ये तरबूज जैसा सर लेके मंडप में पहुंच जाऊँ वो भाग जाएगी, उसको मालूम नहीं कि मैं टकला हूँ। अरे सर पगड़ी को मारिए गोली, सेहरा ही बांध कर चल दीजिए। ये शादी कैंसिल हो जाएगी, रात को मेरे को देखते ही भाग जाएगी। चलो बांधो सेहरा। तेरा कहाँ है? कहाँ है तेरा? कहाँ है तेरा? मैंने तो तेरे को दिया था यार, तेरे को दिया था। क्या मतलब? पिछली बार तेरे पास था, फिर अभी रहा है? दिया था। अरे लानत है यार, मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। एक मिनट, एक मिनट। गोनी, ये गोनी क्या है? अरे उठना। अरे तेरा सत्यानाश, बताओ यानी आप अपना इतना बड़ा पतीला मेरे सेहरे पर रख के बैठे हुए थे? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे का ही सेहरा है ना, तो क्या हुआ? कुर्सी खींच के मारूंगा अभी। 20 मरता मेरी शादी कैंसिल हो चुकी है, 18 मरता तेरे हाथों कैंसिल हुई है। अरे पिछली बार दुल्हन के पैर पे पैर रख दिया, वो मंडप में पहुंचने की वजह सीधा अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद केले के छिलके पे फिसला तो सीधा उड़ के पंडित पे गिरा, वो बेचारा वहीं चपटा हो गया, सीधा शमशान घाट पहुंच गया। गोनी अगर आज मेरी शादी कैंसिल हुई ना तो मैं तेरा को 1 टन बारूद खिला दूंगा, सीधा अंगीठी पे बिठा दूंगा, फिर समझ ले तेरा क्या हाल होगा। जल्दी कीजिए मनीराम जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या यार, क्या ये सेहरा, ये जमीन पोछने का कपड़ा है? अब मैं ये बदबूदार फूल अपने मुंह पे लगा के शादी करने जाऊंगा, तेरा सत्यानाश हो। अरे जाओ जाओ, 10 सेकंड रह गए, मुहूर्त को जाओ। चल दे रहे हम, ये क्या करूं यार, ये मैं लपेट देता हूं सर। अरे मेरे बालों पे मरती है, उसको मालूम नहीं है मैं टकला हूं, अगर मालूम पड़े तो शादी नहीं करेगी यार। क्या वो बातों से लपेटा, टकला दिखे नहीं, दिख नहीं रहा है यार, अंधा बना दिया। चलो लेके चलो मेरे को, आज मेरी शादी हो जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम लोगों के पांव धो के पीऊं। मैं यार क्या है फोन? हेलो, बुड्ढा घर पे है? कोई औरत है पूछ रही, बुड्ढा घर पे है? अबे रख ना जल्दी रख यार, ये बहुत बदमाश औरत है, 20 मर्दों में मेरी शादी कैंसिल करा चुकी है औरत। अरे मालूम है, मालूम है बेचारा, तेरे को मालूम, मेरे को मालूम थोड़ी है। उसका नाम रानी है, मैं उसका फोटो नीचे दिखाऊंगा, उसको घर के अंदर आने मत देना, चारों तरफ जासूस को पहले रहना। आप चिंता मत कीजिए सर, आने वाली हर औरत पर हम नजर रखेंगे। काहे के लिए? आपके लिए सर। शादी कैंसिल करवाया क्या? अच्छा चलो चलो चलो, 5 सेकंड चलिए, आइए संभाल। अबे क्या करते हो यार? चलो खड़े हो जाओ। ठहरो, यहाँ बैठने की ताकत नहीं, खड़े कैसे हो जाओ? 2 मिनट। हेलो डैडी। हेलो, ये आपके बच्चे हैं? अरे पंडित के बच्चे यहाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? डैडी अब शादी शादी खेल रहे हैं। कौन डैडी? तेरा दिमाग खराब है, आंख पे चश्मा लगा, उल्लू का पट्टा। डैडी मैं वो लड्डू खाऊं? इतने सारे बच्चे, इसका मतलब आप शादीशुदा हैं? नहीं यार मैं नहीं, ये झूठ बोलता है। कौन है तुम लोग? मेरे को पहचानता मेरी कौन है? आप हमें नहीं जानते डैडी। अरे कौन है यार, गले पड़ने को आ गए, कौन है तुम लोग? डैडी मैं आपका मुन्नू। डैडी मैं आपका कुट्टू। मैं चालू। डैडी मैं आपका राजू। और मैं सीता। डैडी मैं सीता। नहीं नहीं, और मैं पप्पू। राम राम, ये तो पाप है। अरे काय का पाप, मैं इनको पहचानता नहीं, कौन है तुम लोग? चलो ना डैडी, मम्मी बुला रही है। अबे मम्मी बुला रही तो अपने बाप को लेके जा, मेरे को काय को लेके जा रहा है? ऐसे पापी क्या, एक मिनट रुकना, अपना धर्म भ्रष्ट करना है। अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या है बे यहाँ, क्या कोरस में गाना चल रहा है क्या? पंडित जी पिताजी चुप। धोखेबाज, अरे नहीं, 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 नही
जानता तक नहीं। अरे मेरी मेरे पास, अरे सासू जी, सासू जी, सासू जी, ये क्या है? कौओ की तरह शादी पर बात करके चले गए खबीर लोग। अब ये मंडप को लगा रहन दू के निकाल दू? नहीं, बहुत सालों से लगा ना इसलिए। शाबाश बच्चों, शादी कैंसिल हो गई ना। हाँ। ये लो पकड़ो। अब दोबारा शादी कैंसिल करवाने कब आए दीदी? नहीं नहीं, तुम लोग मत जाना वरना वो बुढ़ऊ पकड़ लेगा। चलो जाओ जाओ। शादी की बर्बादी हो गई ना। तू खुश हो रही है? मैं जब तुझसे झगड़ा करने आता हूँ तू सर पे पल्लू डाल के मेरे पैर छूने चली आती है। तुम मेरे स्वामीनाथ? अरे मैं कोई स्वामीनाथ, प्रेमनाथ, राजेंद्रनाथ नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो, तुम्हारी मंगनी की पहनाई हुई अंगूठी अब तक मेरी उंगली में है। ये मंगनी की अंगूठी उठा के गटर में फेंक दो और मेरी वार्निंग सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अजी कैसी वार्निंग देने आए हो, इस खकड़े हुए बुढ़ापे में किसी और से शादी कर लोगे ये? अच्छा, सारी जवानी तो तुम पर निछावर कर दीजिए मैंने, फिर मेरे को मिला क्या? जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर तुम्हारे घर आया तुम्हारे बाप से शादी की बात करने के लिए, तो वो साला इतनी बड़ी बंदूक लेके मेरे पीछे दौड़ा, 20 पहलवान लेके, 40 इतने बड़े बड़े कुत्ते लेके। ये तो अच्छा हुआ मैं क्रिकेट के गार्ड्स बांधा हुआ था, नहीं हाँ। तो कुत्ते मेरा इतना बोझ नोच लेते। जल्दी दिखा रहे, मेरे को शहर से भगा दिया। मैं भागते भागते दूसरे शहर में चला गया, भूखा मरने लगा। मैंने सोचा कोई धंधा करना चाहिए, मैंने धंधा किया, पैसा कमाया, कमाता गया। किसी देखा ना, तू क्या कर रही है? मैं गाने सुना रहा हूँ, कोई म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ। सुनाई बहुत पैसा कमाया मगर पता चला कि कमाते कमाते 20 साल गुजर गए, पैसा आया मगर बाल चले गए, अरे अरे दौलत आई मगर जवानी चली गई। और अब इतनी बर्बादी होने के बाद तू चाहती है मैं तेरे साथ ही शादी करूं फिर? अरे मेरे बाप के गुनाहों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? जब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने तुम पे कुत्ते छोड़ दिए थे तो मैंने उसका घर छोड़ दिया और तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारे इंतजार में बैठा। काय को पहना मंगलसूत्र मेरे नाम का? क्योंकि भारतीय नारी एक बार जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है उसके लिए उम्र भर इंतजार करती है। अरे ये सब फिल्मी डायलॉग है मेरे भाई, सुन ले, मैं खाली तेरे को वार्निंग देने आया बुड्ढी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अबे कैसे नहीं करेगा बे खुसर? तूने मेरा गिरेबान पकड़ी? अरे अभी तो सिर्फ गिरेबान पकड़ा है, तू शादी तो करके देख, मैं तेरा गला पकड़ लूंगी। तू मेरा गला पकड़ेगी? हाँ, तू औरत जात को समझता क्या है? मैं तेरे टुकड़े करके बोटी बोटी करके किसी कुत्ते को खिला दूंगी। कुत्ते को क्यों, मैं खुद खा जाऊंगी। तू मेरी बोटियां खाएगी? अभी तू देख, अभी तू देख, मैं तेरे सामने शादी करके बताता हूँ। अरे ये नकली मूछे, ये नकली बाल लगा के शादी करने चला है क्या? तूने मेरी भवे मूछी निकाल डाली, आईना है? अरे मत देख, घबरा जाएगा देख। क्या बात करती है? तेरे बाप ने मेरे घर पे बुलाकर मेरी इज्जत निकाली थी, तूने मेरी भवे मूछे निकाल डाली है, अब मैं शादी करके रहूंगा, देखती रहना। अरे जा जा, कैसे करता है शादी, मैं भी देखती हूँ।